कुछ करे ना करे वी आर नॉट श्योर इन टू इट सो आई थिंक सो दिस नेक्स्ट 10 दिस नेक्स्ट 10 ईयर इज द बिगेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन और हमारा भी सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अभी है टू क्रिएट एक्सेप्शनल वेल्थ. अभी मैंने रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे पिक्चर अपलोड किया था कि अगर 1958 का 100 रुपीज अगर आप अभी लो तो वो 100 रुपीज आपका तकरीबन 1 रुपए भी नहीं है. Because over the period of time, the purchasing power has gone increased and the rupee value has gone down in comparison to different aspects. So, next 15-20 years mein, agar hamare koi bhi dreams hai, ya aspiration hai, ya kharche hai, ek cheez to sure hai jo pehle ke log, jo mere papa the, ya aapke papa, ya koi bhi jo 60 ke plus the, uske paas bahut simple si opportunity thi, wo thi FD, fixed deposits. क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स में तकरीबन तब ब्याज था एवरेजली 12% और इन्फ्लेशन बहुत कम था कंपैरेटिवली टू एफडी रिटर्न्स. सो इन सर्टेन 1990 to 2000 वी हैव आल्सो सीन द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ एफडी गोइंग टू 15% to 17%. मे बी आई स्टार्टेड माय करियर आई सॉ एफडी रिटर्न्स एट 12-13%. सो माय डैड वुड हैव 100% सीन द एफडी रिटर्न्स एट 17-18%. दिस आर मैं लेजिटिमेट एफ डी रिटर्न बोल रहा हूँ, मैं कोई ब्याज की बात नहीं कर रहा हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है. तो ये एक जोन था जहाँ पे बहुत ईजी था. अभी आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई है, एडुकेशन एक्सपेंसिस बहुत हाई है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस बहुत हाई, एवरी थिंग इज वेरी हाई एंड नाउ यू कांट अफोर्ड टू पुट योर मनी इन एफ डीज. सो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया कि wealth creation is a great national service. Let us never see wealth creators as a suspicion. Means मुझे पता है कि बहुत लोग wealth creator को suspicion से देखते हैं. Only when wealth is created, wealth can be distributed. Wealth creation is absolutely essential. Those who create wealth are India's wealth and we respect them. So eventually this was just ये तो अभी आया तो मैंने just add कर लिया ये presentation में. वेल्थ क्रिएशन हैज टू बी देयर. और चलो समझ लेके कि वेल्थ क्रिएशन की फॉर्मूला क्या है. तो वेल्थ क्रिएशन की फॉर्मूला एक ही है, आइदर यू इन्वेस्ट इनटू लिस्टेड ग्रेट कंपनीज और यू क्रिएट योर ओन ग्रेट एंटरप्राइज. देयर इज नो थर्ड वे ऑफ डूइंग अ ग्रेट वेल्थ क्रिएशन. मींस आप या तो बिजनेस लो या तो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करो. और नेक्स्ट जो 10 साल है वो ग्रेट बिजनेसेस की बात है, एक्सेप्शनल वेल्थ क्रिएशन की बात है, जो शायद यूएस 1990 से 2010 तक की जो स्टोरी थी यूएस की, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज ऑफ यूएस, दैट स्टोरी हैज आई थिंक सो इज बीन स्टार्टेड इन इंडिया एंड लेट अस गो अहेड विद इट. आपके जो क्वेश्चंस है हम एंड में रहेंगे, मैं सिंपल रखूंगा प्रेजेंटेशन. बहुत टाइम ऐसा होता है जब एक फंड मैनेजर प्रेजेंटेशन देता है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन हो, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हो तो इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जाती है. पर आई थिंक सो फॉर मी इट इज ऑलवेज वेरी सिंपल थिंग कि कैसे कम्युनिकेशन करो कि सबको सुनाई दे, सबको समझ दे, समझ में आए और आप एग्जीक्यूशन कर सको. सो लेट अस नॉट कीप, मैं भी जार्गन बहुत बड़ा डाल सकता था, बड़े बड़े चार्ट, बड़े बड़े डेटा, बड़े बड़ी सॉल्यूशंस डाल सकता था, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस डजंट वर्क इन इंडियन मार्केट्स और हमारी कम्युनिटी में इतना काम नहीं करता है. So let us see the Sensex journey, right? So Sensex journey, this was been the courtesy is Finvista. ये हमारा creation नहीं है, ये Finvista का creation है. So Finvista ने एक बहुत बढ़िया पिक्चर बनाया है जहाँ से स्टार्टिंग ऑफ सेंसेक्स 1980 से अभी तक का सेंसेक्स लिया, जहाँ पे कोरोना आ गया और हर एक जगह पे देर हैज बीन एन इशू, देर हैज बीन स्कैम्स, देर हैज बीन गवर्नमेंट हु हैज बीन शफल्ड फ्रॉम हियर एंड देर, देर हैज बीन प्लेसेस व्हिच हैज बीन इशू एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी हैव ऑलवेज ग्रोन. ग्रोथ दो माइंडसेट से आता है. एक माइंडसेट ये आपका रहता है कि भाई यू नो ग्रोथ करना ही है क्योंकि ग्रोथ ही जीवन है, और दूसरा होता है आपका आपका इनहेरिटेंस ऑफ ग्रोथ होता है. सो आई थिंक सो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर मेड ऑफ बोथ जोन. मींस ग्रोथ नहीं करेंगे तो मर जाएंगे और ग्रोथ करना ही हमारा आई थिंक सो हमको स्टार्टिंग से सिखाया गया है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको पैसे कमाना है एंड दैट इज बीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मिक्स ऑफ राइट government, right corporate governance, right opportunity and right companies together. So I think so, जो चार्ली मंगर बोलते हैं लोला पोलाजा इफेक्ट, मीन्स सब
सब कुछ राइट स्ट्रक्चर पे आना चाहिए. मीन्स कुछ भी, मीन्स आपकी चार व्हील हो गाड़ी की और एक भी पंचर हो जाए तो कार कैन नॉट मूव. सो दैट इज हाउ द बुल मार्केट इज क्रिएटेड. एवरीथिंग हैज टू बी इनटू द स्ट्रक्चर्ड जोन. सो आपको अगर लगता हो कि मार्केट तो 8,000 से 11,000 आ गया है तो क्या हो सकता है, सो आई डोंट नो व्हाट द मार्केट विल डू श्योरली, बिकॉज मार्केट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. मार्केट तो निफ्टी या सेंसेक्स 50 और 30 कंपनी का मिक्सचर है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं. पर इंडिविजुअल बिजनेसेस क्या ग्रेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट अस मूव टू दिस आर ऑलवेज माय ब्यूटीफुल पिक्चर. सो इंडियन मार्केट्स में जनरली मार्केट सिखाया लोगों को आईपीओ डालना हर्षद मेहता के एरा में, वेयर द स्टॉक्स वेयर सीमेंट्स, द स्टॉक्स वेयर बैंकिंग फाइनेंस, स्टॉक्स वेयर यू नो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट वाज एट दैट टाइम फ्रॉम 1980 एरा टू 2000 यू नो द मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट डिड सुपर. 1970 एरा टू 2000 वेयर योर सीमेंट प्लांट्स एंड व्हेन योर इलेक्ट्रिक प्लांट्स या एबीबी आपका है या ये सब कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी उसको लिवरेज दिया गया. एंड देन देयर वाज वन अगेन गाय हु केम डाउन एंड थॉट के नहीं ये स्ट्रक्चरल जोन चेंज हो जाएगा एंड टेक्नोलॉजी विल डू great. So you have seen in a year or two technology stocks went 10 times, 100 times, 1000 times up in a year or two. And this all, see, हम ये सबको दोनों साइड ले सकते हैं, पॉजिटिव साइड्स भी ले सकते हैं और नेगेटिव साइड भी ले सकते हैं. आई थिंक सो दिस वेयर पीपल आज हम बात कर रहे हैं तो ये लोग में ऐसा कुछ था जो हमको पॉजिटिव साइड लेना चाहिए. उसका अंत क्या आया उसके बारे में बात नहीं करते, बट दे वर ऑल शार्प पीपल टू आइडेंटिफाई द बिगेस्ट ट्रेंड्स इन लाइफ, राइट. सो ही दे केम डाउन विद के आईटी स्टॉक्स में. आई रिसेंटली मेट केतन पार भाई एंड ही वाज टॉकिंग हाउ ही ट्रैक्ड द आईटी जोन. And I would tell you that they were so smart people to track the first identification of a trend. And when once you do that, तब आपको लगता है कि यार ये स्टॉक इतने में मिल रहा था, पर आप जब दो तीन साल बाद देखो तो आपको लगेगा यार ये स्टॉक इतने में मिल रहा था बस. So that is how the trend has been identified. And then the Lehman Brothers came in 2008, where from technology, the thing shifted to banking, finance, real estate, power. Again, utilities were a very big thing. Infrastructure was a very big thing. Money was a very big thing. And the whole India mein, world mein issue hai Lehman Brothers. And then we saw big, big companies going bankrupt because of housing finance issue. Again, there was a huge, 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 huge opportunity which was created and some massive wealth creation, also massive wealth destruction. Lehman Brothers ke baad 2009-10, people got very, very informative. People ko laga ke nahi yaar high PE stocks nahi lene chahiye, jo company mein issues hai, capital intensive companies hai, wo nahi leni chahiye. You should go for companies which are extremely quality based, jisme management acha hai, company ka growth acha hai, company ki product achi hai, consumption bahut high hai. Ke, for example, I still remember when I was, we were consulting Motilal Oswal in 2013. And Ramdev ji told that, you know, two things, which are beautiful story, that Motilal Oswal itself, the building was 1200 crores and the company was available at 800 crores. Just imagine the growth, and then it did 10x growth. And Eicher Motors, which the company was available at too deep below its real value. Though jo Eicher ka thought tha wo tractor aur automobile ka usse change hoke Royal Enfield ho gaya, but just see from 600 rupees it went 36,000 rupees and then again it went to 15,000. That's a different story, but that's how the power of, you know, equity comes down. And, you know, investing in quality stocks like, for example, Nestle's and P&G's of the world and HUL's did 10x companies at a fair rich valuation available at 50 times to 80 times, and consistently it did 50 times for next 7-8 years. So quality stocks were exceptionally great. Bajaj Finance was one of them, HDFC Bank, and so many stocks. And then again we saw a turn around, and then there was a coronavirus where the whole things changed. So now there are two parts which we can see. One is ke hum crisis dekhe ya opportunity dekhe, this part of the zone. And I believe every crisis which comes with an opportunity, and every opportunity which comes with a crisis. So it's a yin yang again. So ek cheez sure hai ke jo last वेल्थ क्रिएटर स्टॉक्स थे या सेक्टर्स था, स्पेसिफिकली हमने लास्ट दो तीन साल में देखा कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स डिड फैंटास्टिकली वेल, तो दैट
maybe certain stocks will be good. Baki, there will be new opportunity, new wealth creation, which are not being seen, और इसी की हम बात करेंगे. So बहुत लोग बोलते हैं कि अराउंड मार्केट बढ़ गया है. So this is my one of the favorite, one of my favorite examples that when Kapil Dev did 173, सबको लगा कि इससे हाई नहीं हो सकता. फिर 183 सौरव गांगुली did, 200 सचिन did, सहवाग did 219 and then रोहित शर्मा did 264. So eventually हम अगर 5 साल के बाद देखेंगे तो इसमें और एक बंदा आएगा जो 300 किया होगा किसी ने. So market always does new high, but the stocks always changes. So कौन सा stock next 10 साल के या next 5 साल की growth opportunity अपने पास कर सकता है? So there is a book called 100 Bagger, जो book review हमने किया था. अगर आपने book review नहीं सुना है तो आपको YouTube में मिल जाएगा ये book review. और अगर आपको book review नहीं सुनना है तो I would recommend you to read this book, because this book is fantastic. ये book में Christopher ने पूरा अपना 1964 से 2014 तक जितने भी स्टॉक 100 टाइम्स बढ़ गए थे उसका उसने रिव्यू किया है. और ये बुक के बाद हमने रिव्यू किया हमारे इंडियन मार्केट्स पे, एंड वी फाउंड आउट दैट दिस आर द 8 पेरिफेरल्स. इफ यू गेट अ कंपनी लाइक दिस, स्ट्रक्चरली दिस कंपनी कैन बी अ वेल्थ क्रिएटर, अ मल्टी बैगर. सो एक तो है कि स्टॉक अवेलेबल एट बिलो 5000 करोड़ ऑफ मार्केट कैप. अभी ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, 5000 ही होना चाहिए, 6000 ही होना चाहिए. वहां पे वो लोग ने 300-400 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप रखा है. अभी वो जोन अलग था, बिकॉज 1964 से 2012 तक की एरा में 300 मिलियन एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी. आज 300-400 मिलियन कुछ भी बड़ी चीज नहीं है. सो हमने एवरेजली किया कि इंडियन मार्केट में डिसेंट कंपनीज आर अवेलेबल एट बिलो 5000 करोड़ कंपनी, डेट उसका नियर टू जीरो हो. अभी जीरो होना भी जरूरी नहीं है, 0.10 हो डेट टू इक्विटी मार्केट तो वो ठीक है, पर बहुत बड़ा डेट लिया है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट्स नॉट ग्रेट. मोट इन बिजनेस मीन्स कहीं ना कहीं उसके पास 100% तो नहीं, बहुत स्ट्रक्चर्ड मोनोपोली होनी चाहिए. अगर जितनी भी मोनोपोली हाई होगी उतना उसको प्राइस अप्रिसिएशन, प्राइस अर्निंग्स बड़ा मिलेगा. उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा होना चाहिए, डिसेंट मैनेजमेंट होना चाहिए. 5000 करोड़ कंपनी मार्केट कैप की नीचे की कंपनी में आपको बहुत प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, आपको जनरली एक ट्रस्ट मैनेजमेंट मिलेगा. या तो फोर फादर्स बिजनेस होगा जो नई जनरेशन आई है, या तो कोई कंपनी ने अभी नई चालू किया है. पर इतना बड़ा आपको मैनेजमेंट जो एक्सपेक्ट आप जैसे TCS या आप इंफोसिस से एक्सपेक्ट करते हो, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप. सो डिसेंट मैनेजमेंट, हमारा ये स्ट्रक्चर है जो BBB प्रोसेस में है वो प्रॉफिट एंड प्राइस एट ऑल टाइम हाई होना चाहिए. स्टॉक कंसिस्टेंट अबाउट 212 ईए में रहना चाहिए, और उसका कंपनी का जनरली ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होना चाहिए. जैसे वो सेक्टर में है, वो काम कर रही है, वो जो प्रोडक्ट बेच रही है वो स्ट्रक्चर जोन पे होना चाहिए जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रोविजनल ले सके. मैं आपको ये पीपीटी भेज दूंगा, सो अगर आपको प्रिंट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हो, पर आपको मैं ये पीपीटी भेज दूंगा इन एनी केस इफ यू वॉन्ट दिस स्ट्रक्चरल जोन. और ये कंपनी भी आपको मिले तो हमारे साथ भी आप शेयर करना कि कोई कंपनी आपके पास भी आए तो वी कैन शेयर एंड वी कैन ऑलवेज टॉक more onto this company which can create 100 bagger. So this is a recipe of getting the best companies into your portfolio. So how did we find the next three big opportunity? What was our process? This is a very important point to be discussed for. So the next big trend macro means next thing, कौन सा सबसे ज्यादा zone दिख रहा है कि बड़ा popular हो सकता है और demand exceptionally great हो सकती है उसकी. और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी सेक्टर है जो जनरली इतना ज्यादा नहीं चला है इन द प्रीवियस मार्केट सिनेरियो. द सेक्टर व्हिच डिडंट डू ग्रेट इन लास्ट बुल रन्स, द सेक्टर स्टॉक्स व्हिच कंसोलिडेटेड एंड नाउ गिविंग अ मेजर प्राइस ब्रेकआउट. मींस अगर ये स्टॉक ऐसा है कि जो 6-7 साल से सिर्फ कंसोलिडेट ही किया है और कुछ नहीं किया है, अभी दे आर स्टार्टिंग टू मूव द प्राइस एट ऑल टाइम हाई एंड द प्रॉफिट्स आल्सो एट ऑल टाइम हाई. एंड द सेक्टर और द स्टॉक्स विच नोबडी इज टॉकिंग अबाउट. अगर मैं किसी को एक कंपनी की बात करूं, बोला नहीं यार ये कंपनी तो यार बेकार कंपनी नहीं है. मोस्ट ऑफ द वेल्थ, बिग वेल्थ क्रिएशन इज बीन डन इनटू द कंपनी वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो. मींस आज हम कितनी भी बात करें, हम आज रिलायंस की बात करें, मींस मोस्ट ऑफ द पीपल एंड स्पेसिफिकली गुजराती लव रिलायंस, राइट? सो हम रिलायंस की बात करें, पर प्रॉब्लम ये है कि रिलायंस नेक्स्ट 10 साल में कैन इट ग्रो टू 100 फोल्ड्स.
the answer is 99%. Of course, it grows, we would be very happy, but the probability is not that high. Whereas a company of 1,000 or 5,000 crore going to 100-fold. Though it is not necessary कि आपको हर कंपनी पोर्टफोलियो में ऐसी लेनी चाहिए, पर अगर आपके पास 30-40% भी कंपनी ऐसी स्ट्रक्चर पे हो, then the probability of your X creation will be very high. बाकी आप निफ्टी या निफ्टी 500 के रिटर्न के जैसा ही आप परपेचुअली चलते जाओगे. And investing with BBB process, of course, जो process है, 5 questions है, वो answer देके. तो ये this was our big thought process that how to click the next big opportunity. So I will very fast will go to next big opportunity. बहुत बात नहीं करूँगा. Will be very precise to that point. Opportunity first is IT. अभी आप बोलोगे रोहन IT मुझे भी पता है, उसमें क्या तूने बड़ी बात की है. So IT में तीन चीज आती है. IT में आती है IT services, IT products और IT subscription based. IT services में आपकी सब companies जो services provide करती है, जैसे TCS से लेके Infosys, ये सब companies है. IT products में companies like Bank Bazaar, Policy Bazaar, Zomato, दूसरी दूसरी companies हो गई जो product बनाती है, जो product services देती है, जैसे for example Uber हो गई या Ola हो गई, या for example companies like Amazon हो गई. तो ये सब companies जो structurally बहुत important है, Big Basket हो गई, जिसने IT products, जिसको IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, वो स्ट्रक्चर किया है. और द थर्ड इज आईटी सब्सक्रिप्शन बेस्ड. सो ऐसी कंपनीज जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चल रही है. हमने एक बुक अभी रिव्यू की थी, सब्सक्राइब्ड, बहुत बढ़िया बुक है जो आप सबको पढ़नी चाहिए. उसमें बहुत बढ़िया लिखा था कि आईटी सब्सक्रिप्शन मॉडल बाय 2030 विल बी मोर बिग इकोनॉमी देन द चाइनीज इकोनॉमी. मींस सब्सक्रिप्शन मॉडल मीन्स आप नेटफ्लिक्स ले लो, अमेजोन प्राइम ले लो, या फॉर एग्जाम्पल जोमेटो गोल्ड ले लो. तो ये सब सब्सक्रिप्शन मॉडल्स है जहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने जाता है. एंड इट्स अ ह्यूज मार्केट. मीन्स अभी ये मार्केट चालू हुई है और आज जो भी कंपनीज काम कर रही है उसको कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन मॉडल में आना पड़ेगा टू क्रिएट मोर मार्केट शेयर फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सो विल टेक 1-to-1 कंपनीज विच इज प्रोस्पेक्टिव. So there is also an interesting networking effect which also works. So there is a superior case study of Uber, right? So there is a huge, for example, it starts with driver supply, then lower wait time frames, then more riders, then bill. So kahin na kahin, this takes 10 years. Everyone across will start to do things which is very easy for the customer base. और जैसे जैसे easy होगा हम उतनी उतनी easy life में रहते रहेंगे. Means आज मैं कभी तकरीबन सोचता हूँ कि ऐसा भी कैसे जोन आ गया जहाँ पे बहुत सारी चीज तो मुझे करनी ही नहीं पड़ रही है. जैसे I'll give you a simple base, you know, there is an app which is MyGate, a very simple, very small company, which is के apartment में मेरे घर पे कोई आए, जैसे कोई domestic help के लिए आए या courier आए या you know courier या Zomato आए structurally, तो मुझे app पे notify होता है कि उसका temperature क्या है, उसने mask पहना है या नहीं पहना है, वो कब in out in हो रहा है, कब out हो रहा है, a simple thing. Now अभी ये इतना आदि हो गया है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ. So IoT is taking up your need. जहां जहां पे ग्रे एरिया है, जहां जहां पे नीड है, वहां वहां पे आ रहा है. एंड नोट डाउन के ये 10 साल हम आज जो कर रहे हैं वो हर एक साल में हम वो कम करते जाएंगे. आज मीटिंग ही देख लो, हम फिजिकल मीटिंग किया करते थे, आज आप 100 लोग सुन रहे हो, इंडिया से, वर्ल्ड से कहीं सुन रहे हो. तो दिस आर द थिंग्स हैज बीन सो इजी टू कम्युनिकेट. एंड आज ऐसा है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बिना नहीं रह सकते हैं. सो लाइक IndiaMART is one of the example जिसके बारे में हम बात करेंगे. जैसे नौकरी है तो जैसे for example great job applicants with number of employees for more resumes, तो ये चलता ही रहता है. the need based creation means आज हम नौकरी की बात करें तो 10 साल पहले एक recruitment agent ad आती थी paper में कि हमको ये लोग चाहिए. आज वो पूरा market zero हो गया है. means people don't generally give except government advertisement, nobody gives an advertisement in papers now because the whole concept has gone. and company like Naukri, which is really benefited and created from nowhere to one of the best IT IoT company in India now. So ऐसी अगर company हमारे पास आ जाए जो need based creation कर सकती है, जैसे for example one of the best example is शादी.com और जीवन साथी. मीन्स मुझे पता है कि जब आज से 6-7 साल पहले शादी नहीं हुआ करती थी तो
तब कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी रिज्यूम डालता था, शादी डॉट कॉम पे या जीवन साथी या भारत मैट्रिमोनी पे। आज एक मैरिज करना तो पहले वो वहां पे डालते बिकॉज दे वांट अ बिगर प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर फॉर, राइट? सो दिस हैज बीन द बिगेस्ट ट्रांजिशन व्हिच हैज हैपन इन इंडियन कल्चर। सो इंडिया में एक बार वो ट्रेंड सेट हो गया देन इट इज अ वेरी हार्ड। सो हैबिट क्रिएशन इज सो हार्ड। लाइक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल अगेन आई कैन टेक यू ऑन आईटी इज मूवीज। मीन्स कैन एनीबडी वुड हैव टोल्ड इन जनवरी में अगर आपको बोलता कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मूवी आता तो आप देखोगे? आप बोलोगे नहीं यार रोहन मैं नहीं देखूंगा, मुझे तो थिएटर में ही पसंद है। आर देयर आर सर्टेन मूवीज भी विच वी हम घर पे जाके ऑनलाइन पे देखते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली गेट्स टुगेदर, घर पे 20 रुपए का एग्रो का पॉपकॉर्न बनता है और द कॉस्ट इज वॉट। मीन्स लाइक इफ थ्री ऑफ अस वेंट टू अ मूवी देर वॉज अ मिनिमम बिल ऑफ 1,000 रुपीज which now has turned to 1,000 rupees of a multiple exploration zone. So this is how it has been created. Subscription services with the ease of people. Everybody has TV, everybody has mobile, everybody has an iPad. So this has been creating. So the IT services just has started. और इंडिया में तो इंडिया IT services जो मैं अगर आप डेटा लूंगा with 6.1% growth in year 2019, India's IT BPM sector stood at 177 billion and approximately the growth at this rate the industry will develop 350 billion by 2025. ये तो सिर्फ एक ग्रॉस कंपनी का है। हम इंडिविजुअल कंपनी की बात करेंगे तो ऐसी वेल्थ क्रिएशन हुई है जो हम सोच नहीं सकते हैं। With over 560 million internet users thanks to Jio, India is second largest online market in the world, ranked only behind China. Now, आज हम टिकटॉक की बात करते हैं कि टिकटॉक ने टिकटॉक तो आज इतने लोगों को इंटरेस्ट है टिकटॉक लेना, टू बाय टिकटॉक। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट भी सोच रहा है, अभी रूमर्स आई कि रिलायंस जियो भी सोच रहा है टू गेट अ पार्ट इन टिकटॉक। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। मीन्स द थिंग्स आर गोइंग क्रेजी। और जितने लोग मुझे मिलते हैं IoT के बारे में बात करते हैं, सब एक ही बात करते हैं कि वो पैसे कैसे बनाते हैं। सो जस्ट इमेजिन द मनी इज नॉट मेड बाई प्रॉफिट, द मनी इज मेड बाई डेटा। एक्सक्यूज मी। और अगर आपको डेटा का क्या वैल्यू है वो अगर देखना है तो देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिक्स व्हिच इज ऑन नेटफ्लिक्स व्हिच यू शुड वॉच। एंड और वहां पे आपको पता चलेगा कि एक डेटा कितनी माइक्रोस्कोपिक वैल्यू क्रिएशन करता है इंडिविजुअल कंपनी के लिए। SME और MSME इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं थी, अभी वो IT सर्विसेज पे एक्सेप्शनली आएगी। आई वाज टॉकिंग रिसेंटली टू अ गाय हु इज हैविंग एन SME बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ही टोल्ड दैट यू नो नाउ आई हैव टू कम ऑन इंडिया मार्ट बिकॉज पहले तो मैं पर्सन टू पर्सन सेलिंग करता था, अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है ये बिकॉज आई हैव टू क्रिएट द मार्केट वेयर एनीबडी कैन बाय फ्रॉम माई मार्केट। अभी वो जोन गया जहां पे मैं सिर्फ मेरे प्रोस्पेक्टिव बायर से ही बात करूंगा। सो दिस इज द बाउंड्रीज आर बीन क्रॉस्ड ईच एंड एवरी सेगमेंट। इन द इंडियन मार्केट 20 बिलियन डिवाइसेज आर टू बी कनेक्टेड बाई IoT बाई 2021। IoT is growing at a rapid pace in adoption of spreading into various industries such as telecom, healthcare, retail, automobiles, everywhere. Means everywhere there will be something which you have been created, and that's how the business of IT services are. Means teen cheez jo we are extremely bullish one is services, products and subscription. Though Indian markets mein we don't find great companies to invest into that segment because Indian markets mein jab wo board pe aati hai, listed board pe aati hai, tab tak already the company has done good. But आप नहीं बिलीव करोगे कि टू इन्वेस्ट इन एन अनमैच्योर कंपनी एंड टू इन्वेस्ट इन अ मैच्योर कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है। सो यू व्हेन एवर यू इन्वेस्ट इन एन लिस्टेड कंपनी एंड व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ मैच्योर कंपनी योर रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो इज मच हायर और वर्सेस इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड कंपनी बिकॉज वहां पे आपका एक्सेप्शनली रिस्क है। ऑफकोर्स द रिटर्न इज हायर बट एक्सेप्शनल रिस्क पॉइंट पे भी है। So let us put some of the companies which I think so are can do exceptionally well. ये सब जो company की भी बात कर रहा हूँ, this is not a recommendation. This is just for the knowledge purpose. और ये सब companies ऐसी हैं जहाँ पे आपको आपके fund manager या financial advisor से बात करके ही आप invest करना। So one is TCS. If you see TCS, if you see last तकरीबन ये monthly chart है for 7-8 months. It has been consolidating. Exceptional great company having an 8% market share of means IT में 8% market share होना exceptionally well huge है. India की number one company. So this is one of the company which can have a exceptional market share for
the services. HCL Tech, अब HCL Tech की tech बात करो, again a company which has done great in last decade, but for last 5 years it has not done anything specific, and now it has just started to inching up the revenues to do better into the price and the segment. अच्छा ये सब company जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सब company का ये तो बहुत common चीज है ही. So ये 5,000 crore of course market cap नहीं है, पर ये मैं लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप सबकी बात करूंगा. डेट उसकी जीरो है, मोट है बिजनेस में, 20% से ऊपर आरओई है, वेरी डिसेंट मैनेजमेंट है, प्राइस नियर टू ऑल टाइम है, प्रॉफिट नियर टू ऑल टाइम है, 212 ईएमए के ऊपर है, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, उसी की मैं बात करूंगा. जो कंपनी नहीं अच्छी है उसके बारे में बात करने का कोई पॉइंट नहीं है. And this company, the best example is InfoEdge, right? So on disclaimer side, we and our client may hold certain positions into percentage allocation into InfoEdge in our PMS, in our personal portfolios. So InfoEdge, if you see from a very decent point, it has already done structurally well. Or agar aap startup mein invest karna chahte ho, main aapko bolta hu, startup se safe ROI will be in InfoEdge, because InfoEdge jo companies mein invest karti hai, that is much more structured than what we मोट इन बिजनेस. किसी ने पूछा है मोट बिजनेस यानी मोट यानी लीडरशिप, ऐसी चीज जो बहुत कंपनी में नहीं है, इसकी मार्केट वैल्यू जो मोनोपोली बोलते हैं ऐसी कंपनीज की बात कर रहे हैं. सो इन्फोसिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर, वेरी डिसेंट फ्रॉम 1000 टू 3400, एंड यू डोंट सी अ बिग ड्रॉडाउन वॉलेटिलिटी इन टू द कंपनी स्पेसिफिकली. So this is InfoEdge. Then it is Larsen & Toubro Infotech. We identified this at 700 rupees. It's a very small market cap at a P valuation of 7 price to earnings. Very decent management, exceptional business quality, superior growth prospect. And again, from 3-4 years, it was consolidated and started the services breakouts. Company rep persistent system, this was company which we were seeing from last 4-5 years. Again, from 5-6 years, this company has been consolidating and started to inching up the profits and the price together. So this could be the opportunity over the period. And one of the best example, which a company which we recently saw, is IndiaMart. Now IndiaMart is a company which is specifically 60 to 70% market share in B2B businesses. और B2B बिजनेस में अगर कोई भी लीडर है और दूसरा आपको नाम भी याद नहीं होगा, दैट इज IndiaMart. और जो लिस्टिंग का प्राइस लेता है वो क्रेजी है. जीरो डेट कंपनी, एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट नीड फॉर MSME and SME into the right now this platform. It's like your Facebook who interacts from friends to friends, is interacts from business to business. So it is one of the kind businesses which I think so you will never get in any of the companies. So this is one of the company. These are IT which I was talking about, and these are certain examples. Of course, there will be so many companies which would be exceptionally great. जो ये हमारे radar में है, उसकी मैंने बात की है. Now coming to companies which second opportunity is agrochemical. Means agrochemical की हम बात करें तो agrochemical generally मैं 10 साल से बजट सुनता हूँ, तब हम एक ही बात सुनते हैं कि किसान को अच्छा किया जाएगा, किसान की ग्रोथ के लिए बना जाएगा. Where 16-17% of the GDP is contributed by agriculture, and now being Swadeshi as a clear point, and people getting more organic food, people are going for certain good food quality, and that's where I think so that's a huge prospective area. This is how I'm sorry I could not get the whole aspect for, but this is insecticide, pesticides, and certain areas which will grow for next 15-20 years. So generally it will grow by 8% CAGR into structural zone, and I believe ye 8% CAGR aur ye sab hum baat kar rahe hain, agro will do much more better, maybe a 15-18% CAGR for next 10 years. So this is Deloitte ki analysis hai. So generally the opportunity is feeding the growing global population, protecting against crop losses and increasing yield. Means aaj aap farmer ko milo to farmer ki bhi generation change ho gayi hai. So aaj ki jo nayi generation farmer hai, they want to grow good crop, they want to do good business, they want to do good life, take good life, and they really want to increase. Means IT farming ho gaya hai. Means aaj wo log
तकरीबन डायरेक्टली कनेक्शन आते हैं कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी से, दे रियली सेल द प्रोडक्ट. मीन्स आप इंडिया मार्ट में सिर्फ एग्रोकेमिकल या प्रोडक्ट की सर्च करो, यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स हु आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. एंड दिस हैज बीन अ स्ट्रक्चरल चेंज. वहां पे एग्रो, वहां पे पेस्टिसाइड्स का, अच्छी पेस्टिसाइड्स का यूज करना बहुत जरूरी है, अच्छी चीज का यूज करना जरूरी है टू गेट गुड क्रॉप स्ट्रक्चर. राइजिंग कंज्यूमर डिमांड फॉर सस्टेनेबिलिटी, यू नो, प्रोड्यूस फूड एंड टिकलिंग क्लाइमेट चेंज. जो तकरीबन हर सीजन में बहुत ज्यादा बारिश आती है, एज ए बारिश आती है, देन यू गेट द इंश्योरेंस इज ऑल्सो नाउ टू यू नो मैनेज. एंड गवर्नमेंट इज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर यू नो कंट्रोलिंग एंड यू नो ग्रोइंग दिस सेक्टर वेरी स्ट्रक्चरली. मीन्स आज मैं गुजरात की बात कर तो गुजरात फार्मर्स आर सो रिच. मीन्स एक टाइम होता था जब हम बोलते थे कि फार्मर्स आर पुअर पीपल, बट नॉट नाउ. फार्मर्स आर रिच ब्रीड नाउ एंड दे वॉन्ट टू गिव गुड क्रॉप एंड दे अंडरस्टैंड दैट ऑर्गेनिक मार्केट्स का डिमांड हैज एन एक्सेप्शनल जोन. सो अगर दे विल यू नो ग्रो ऑर्गेनिक फूड विदाउट एनी यू नो एनी प्रॉब्लम, देन दिस बिग केमिकल्स, देन दे विल गेट अ ह्यूज वैल्यू टू इट. दो आई विल टेल यू द रियल फैक्ट इज दैट विदाउट स्ट्रक्चरल पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो गुड क्रॉप. सो 100% ऑर्गेनिक नहीं आता है, पर यू नो वॉट एवर इट इज बेटर, तो वही चीज आ सकती है. So coming to the point, agriculture contributes 17% to our GDP. India seed market is estimated at 4.5 billion in 2020. Last year extended monsoon that helped recharge groundwater, 100% normal or above normal rainfall forecast. Means सब जगह पे द एग्रोकेमिकल इज ऑन अ लोला पोलाजा इफेक्ट. हर जगह से ऐसी पॉइंट है कि इट शुड ग्रो ओनली, एंड इफ इट डजंट ग्रो देन देयर इज अ देयर हैज टू बी सम एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल. सो दिस आर द कंपनीज. मींस एग्रोकेमिकल, वी फील 2016 में वी वेर द फर्स्ट इनिशिएटर्स ऑफ गेटिंग यू नो chemical companies, specialty chemical companies like Rain, Gujarat Alkali, Tata Chemicals. These are all the companies which we bought and we created at exceptional wealth. So these are the companies which I think, so now the zone is agrochemical. I don't still believe that specialty chemical will not do good. It will still do good, but it is not a big opportunity. They have done good and they are into this mature zone. They have already done an exceptional move and they may do better move, but the better move, the real growth will start in agrochemicals, and that's what we believe at Turtle. So this is one of the company where we have invested, and we and our client would have invested into the company is Bayer Crop. Now Bayer is a German company. Agar aap baat karo Bayer ki, to India mein jitne bhi seeds hai Monsanto ke hisab se, because usne Monsanto India buy kiya tha, pura take over kar liya tha, to takriban har ek seed wo bechta hai. Bayer is the number one leader. Means in world mein there is nobody is next to Bayer in this zone. So it's specifically a leader into its factor. And aap dekho to takriban ye 6 saal se ek hi segment pe chal raha tha and started its new growth. So Bayer is one of the opportunity. Rallis India, being a Tata company, it has also started to structure on a better zone. This is an opportunity. This could be a big opportunity. It's a very small size company yet. Of course, Bayer in comparison also not a big company, big size company. But yeah, Rallis is comparatively a company which one should look forward for. And this could be, you know, a multi zone. Structurally, this company is not as great as Bayer, but still it is doing decent. So these are two companies. Agrochemical by you know, we don't have a lot of companies. Hamare paas bahut sari companies nahi hai to talk for, but this is an amazing creation of the need into the market. Agar aapko believe nahi hota hai, aap koi bhi aapke farmer ho, jaise sabse zyada important hai jo locust hua hai issue north west or north mein, jo jisko nahi pata hai what is locust, is teed, jo teed pure khet ko kha jata hai. वहां पे दे नीड ग्रेट पेस्टिसाइड्स, दे नीड गुड फर्टिलाइजर्स टू ग्रो राइट क्रॉप. फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आज दिस इज द नीड ऑफ द आर, एंड वी बिलीव के नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन हम ये सोचेंगे कि हमने बेयर शायद 6000 पे बात किया था, एंड लुक एट व्हाट इज द प्राइस टुडे. सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी. Opportunity number 3 is pharma. Now when I will say pharma to you, you will generally have a view ke Rohan pharma to mujhe pata hai yaar, pharma is like superior, mujhe pata hi hai ki pharma is a great opportunity, what is new into it. So I'll tell you something which is exceptionally right. Is so cost,
सो फार्मा इज एन अमेजिंग मीन्स, अगर आप मार्केट के फार्मा की देखो, टोटल मार्केट साइज ऑफ इंडियन फार्मा वर्सेस टोटल साइज ऑफ फार्मा इन द वर्ल्ड और स्पेसिफिकली यूएसए, इट्स लाइक फ्रॉम 1 to 100. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. अबॉट इंडिया व्हेन वी बॉट अबॉट एट 7,000 रुपीज, द अबॉट मार्केट कैप ऑफ अबॉट इंडिया वॉज इक्वल टू द प्रॉफिट. मीन्स यूएस की अबॉट वॉज मेकिंग मोर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देन द अबॉट इंडियाज मार्केट कैप. जस्ट इमेजिन द वे दिस कंपनी आर, दिस कंपनीज आर सो स्मॉल साइज. दिस ये कंपनी है कंसिस्टेंट सालों से ग्रो कर रही है एंड द साइज इज मैग्निफिसेंट. और जो डिमांड आफ्टर कोविड हैज गॉन इन टू यू नो फार्मा, हेल्थ केयर, वेलनेस, लाइफ साइंस, एपीआई इज क्रेजी. मीन्स पीपल वॉन्ट टू लिव गुड लाइफ, पीपल हैव समवेयर स्ट्रक्चर्ड दैट के मुझे अगर अच्छा अच्छी लाइफ जीनी है तो आई हैव टू हैव बी वेल हेल्थी. उसके बिना ऑप्शन ही नहीं है. बाय द वे हेल्थ से बात हुई तो एक जस्ट एक पॉइंट पर्सनल पॉइंट पे ले रहा हूँ. सबसे ज्यादा बेटर हेल्थ बनानी है तो आप शंख ब्लो करना, जो हमारी इंडियन आयुर्वेद में लिखा है, जो नॉन कॉस्ट है, जो फार्मा को कहीं हेल्प नहीं करता है. पर या कमिंग बैक टू द फार्मा, कॉस्ट एफिशिएंसी, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आरएनडी बूस्ट एफिशिएंसी. इंडियन फार्मा कंपनीज लीडिंग टू कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट. इंडिया फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट स्टूड एट 13.69 बिलियन इन 2020. इट्स सो लो. हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, फार्मा विजन इज सुपीरियर. मीन्स इन दिस सेक्टर 100% एफडीआई इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट. इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन आरएनडी एक्विजिशन. सो व्हेन वी टॉक फॉर फार्मा, देर आर थ्री एरियाज वी आर लुकिंग फॉर. वन इज ऑफकोर्स एन एपीआई, सेकेंड इज लाइफ साइंस, and third is the structured pharma companies. And I'll tell you certain things about pharma which we like. In 1969, Indian pharmaceutical had a 5% share of from the market in India. Sirf 5% pratishat share tha Indian market mein, and global pharma had 95% share. By 2020 it is reversed, with Indian pharma has 85% market share and global 15%. So this has been the opportunity, but Indian companies ne abhi tak Indian pharma ko itna valuation nahi mila hai, leaving about certain two or three companies. And certain small companies has a great, great, great market efficiency into it. So Indian pharmaceutical sectors is expected to grow at $100 billion, which medical device market is expected. This is one more very huge opportunity in market is medical equipments. So there is no big leader into medical equipment in Indian, specifically pharma companies, except one company which we are going to talk in ahead time. 25 billion for 2025. Pharmaceutical export from India stood at 20 billion in FY20. Medicine spending in India is projected to grow 9 to 12%. मीन्स मुझे ऐसा लगता है ये 9 to 12% बोल रहे हैं, पर मेडिसिन जो बिकने वाली है वो क्रेजी बिकने वाली है. हम जितना भी बोले, पीपल आर गेटिंग मोर डायबिटिक. आप नहीं बिलीव करोगे, इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल, इंडिया इज अ थायराइड कैपिटल, इंडिया इज अ कैंसर कैपिटल. मीन्स अगर किसी को हो जाए, और होप के किसी को ना हो, पर अगर किसी को हो तो दैट इज वेयर you know you, the spending of the money is crazy. And there is a good market which is coming down is a Nutravedic market. So pharma itself mein itna sara kuch ho raha hai, and there will be also an IT company which will be a leader in next 10 years, which will be a dominant player to sell medicines. Means aaj bhi aisa hai ki mujhe medical store mein jaake है, दो तीन कंपनी जो मेडिकल प्रोडक्ट्स बेचती है, पर अभी भी इसका इतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है. सो एक ऐसी भी कंपनी आएगी जिसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर होगा प्रोडक्ट बेचने में, और अगर वो कंपनी आ जाए तो देयर विल बी अ ह्यूज 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 प्रोस्पेक्टिव, बिकॉज एवरीवेयर देयर इज अ एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ द स्पेंडिंग ऑन मेडिकल एक्टिविटीज. दैट कैन बी अ इनो, दैट कैन बी अ विक्स, or that can be an OTC product versus that can be a pharma products also. Medicine spending in India is projected. API, active pharmaceutical ingredient, is the best active ingredient to make any medicine, and there is a huge, huge, huge sector opportunity into it. India imports about 70% of its API from China, but due to higher domestic production with the price gap reaching as much as 20 to 30%. Or as such, you know that worldwide the dominance of China is
may decrease, and if it may decrease, the direct benefit comes to India, because India is the only low-cost manufacturing market in comparison to, there are countries like Vietnam, there are countries like, you know, specific small countries which do, but the way the big production could be the next is for India. So companies like Cipla, a very structured pharma company, तकरीबन 30-40%. So pharma company की जब बात करते हैं तो 100% moat आना बहुत difficult है, because pharma इतना wide है और pharma के एक-एक sector में there has been a dominance power. So Cipla की बात करें तो तकरीबन 4 areas में it has nearly about 30-40% market share. अगर आप Cipla की बात करें तो 10 साल से Cipla has not been a wealth creator and it has just started inching up to be a better zone, better management. Then it is Aurob Pharma, one of the best picks for our India, for our turtle wealth. We had taken at 120-130 rupees. We rided it up to 800 rupees. We exited it somewhere around 750, and then the stock consolidated for 4 years. And again, it has started to pick up, and the profits are showing its great point. So Aurobindo Pharma hai, Alkem Labs hai, again a very good, decent market value company, nearly about 20,000 crore company, huge good market share, superior moat, or you know, one of the very decent management we have come across. Then it is Polymed. This is a very interesting business what we have seen. Polymed is a company which sells the medicine equipments, jaise syringe ho gaya, ye sab ho gaya, aur uska market share badh raha hai and available at a very very decent size of company. Aur ye sab company aisi hai jahan pe aisi company India mein nahi available hai. So these are certain companies which we are seeing on a great great opportunity in coming time. Again, pharma ki baat kare to specific pharma mid-size to small-size companies like we came out with into the small zone of the portfolio. We have the small size of the portfolio. We have companies like Aarti Drugs, Syngene, IOL, CP, which were 1,000 crores of 2,000 crores of market cap, which has shown a great prospective returns from last 3 months. Though, of course, the return has done exceptionally well, still there will be opportunity, but these are the companies which are ripe with the opportunity. So, iske bare mein generally humne zyada baat ki hai. Again, ye stocks ki jo baat ki hai, this is not a recommendation. This is just for the knowledge and education purpose, because we at SEBI doesn't allow you to recommend stocks except your clients or except your people who are giving you an advisory. So, I'll give you a brief for the people who don't know what we do. At Turtle, we run two specific products. One is Wealth Mantra, that is our PMS product, where we invest only in leader companies which are exceptionally great. A mid-sized company, 40% we invest in consistent companies, 40% in growth companies, and 20% money we invest into companies which are into a small size company which can over the period of time do exceptionally great. Everything is purely quants. Very less things, it's a human decision. Then we are coming up with Trend Mantra, which is an advisory product, which specifically aapko humko paisa nahi dena hai, aapke paas hi rakhna hai aur aap kar sakte ho. These are companies which are upcoming leaders, which can be the upcoming leaders. These are the companies which will be investing in fund, which will be investing in small to mid-sized companies specifically. And this company will not be having a leader into perspective, but can be tomorrow's leader into perspective. Also, we have wealth product called Wealth 360 degree, jahan pe hum aapka pura wealth, from insurance to FDs to contingency fund to investment to stocks to your will creation hum karte hain, aur pura hum aapka in-house solution de dete hain, jahan pe aapko kahin pe bar jane ki zarurat nahi hai, in-house aapko sab kuch mil jata hai jo aapko great wealth creation pe kar sakta hai. So just to put a point before we end up is What are the key things what we have jo India mein dusri company ke paas nahi hai? Where the most quantified investment process, jahan pe pure process driven approach hai, it's never a approach of human emotion driven. Abhi jab human driven emotion bahut chalta hai, the process driven nahi chalta hai, aur jab market tank hota hai, the process driven makes the most of the value. So we are the most quantified investment process, where we know when to exit. Second part comes is
we give our clients choice of how much risk you want to have in your portfolio. Defensive 12%, moderate 18% and aggressive 24%. So आपका invested value ये area से नीचे नहीं जा सकता है, ऐसे हमने algorithms develop किए हैं, जो तकरीबन आपको ऐसा है कभी भी कि मुझे यार इससे नीचे पैसा नहीं जाना चाहिए, investment में nobody can tell you that इसके नीचे नहीं जा सकता, we can tell you. We of course invest in growth and compounders to grow the. Secondly, we at Turtle are specifically focused only on PMS and PMS and investor related to equities, and we are owner based company. So a fund manager कहीं चला जाएगा ऐसा नहीं होगा. This is one thing. Human friendly portfolio we have added very recently, and this we have got exceptional credits for it. हम generally पांच चीज देखते हैं जब invest करते हैं. एक हम देखते हैं कि हम कभी भी direct killing वाली company में invest ना करें जो animals को या human को problem कर सकता है. Secondly, we don't invest in companies with leaker drugs or cigarettes. Third, we don't invest in companies which are into high debt companies. Fourth, we don't invest in companies which the management is a doubtful management. Or fifth, we don't invest in any insider information, because we are sitting at this place, we get a lot of insiders, but we don't invest, because अगर आपने इनसाइडर पे इन्वेस्ट किया और फंड मैनेजर को बैन कर दिया गया, सो योर फंड विल नॉट बीन टेकन केयर ऑफ. सो दिस आर द फाइव थिंग्स वी टेक फॉरवर्ड फॉर. अगर आप यू आर रियली वेरी कंसर्न ऑन टू ह्यूमन फ्रेंडली पोर्टफोलियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ह्यूमन फ्रेंडली पोर्टफोलियो, बिकॉज इफ somebody is killed or somebody has problem of what we are investing into, I don't think so it's an ethical portfolio, and we have a very specific client centric fee structure. So that's what we do at Turtle. And at the end, I'll just note you that if the third three big opportunity is IT, agrochemical and pharma, I think so if you sum up, the biggest opportunity is investing with Turtle. I think so what we are doing, going to do in next 10 years is one of the best wealth creation services which the country would have seen. So that's where I end my presentation. I will not take more. I decided 45 minutes. I think so I took 3 minutes more, and I apologize for that. Any questions is welcome. You can raise your hand or you can put a message into the question and answer box. There are questions, a lot of questions. First we will take who has raised the hand. So trend mantra, I'll take from the last. Thank you Pratik bhai for the feedback. When is the trend mantra starting? Trend mantra is starting by next month, and you can trade from your end. We would be the only advisory side. How to decide management of the company is good or better? Himanshu, I think so. I'll take answer. You can put it in question box. That would be easy for me to answer. But it requires lot of insights, lot of influence in the industry to know how the management is. Generally, 100% तो आपको कहीं नहीं मिलेगा. But if you get 98-99%, also you should go with it. Yes, also low cost. Okay, return on equity. Fine. So. Yeah, so there are certain stocks which are on monthly chart, Yograj, and there are certain stocks which are quarterly, depending on ke kahan pe visual acha raha tha. How to decide the insurance sector? I think so insurance sector is a great thing. It comes in IT now only, specifically because insurance is also getting an IT investment. So insurance specifically, we are exceptionally bullish. Exceptionally bullish on companies which are on general insurance side, and life insurance we are still not yet bullish on to except LIC. How to play this sector via leader or basket approach? Amit, it's a very good question. I think so we should go forward for bottom up approach only. The companies which are doing good with having a view of sector, or jaise jaise company achhi karti jati hai, waise waise you can invest into the company. That's the right way of investing. Any other questions? Ek minute, what is the most we already answered? Fine. There is any question, or you can raise your hand. I think so. Ritesh is there. Ritesh, you are allowed to talk if you have any question. Nikunj has a question. By human friendly, you mean ESG? Your view on sugar and oil, chemical, petrol, as they affect human health?
Nikunj, you are very right on sugar, oil, chemical. But see, there are certain things which you can't live without, right? For example, pharma. When it comes to pharma, there can be certain things which can't be human friendly, but you have to see a larger picture. So if the larger picture is good for a human, then I think so we should go ahead. Like pharma, there are medicines which require certain animals extracts for for your proteins or for just for example, there are a lot of medicines which comes across like that. You need that, but over the period of time, that can help human on a larger base. So we generally invest into companies which are directly impacting human life, and that can be bad. So that doesn't mean that companies are bad, but this is the boundary we have created that we will not invest into certain type of companies. So there is no white, there is no black. This is just we decide that what is white and what is black. Anurag, what do you think of the defense sector and its valuation? Yeah, so Anurag, the defense sector is always a great sector, but generally, the problem to defense sector is that leaving one company maybe aside, there is no great companies in defense sector where you can bet on. Structurally, second, it is a manufacturing segment, and honestly, we are not that bullish on manufacturing segment. Maybe defense is certain that agar kuch problem hua, then there is a huge demand, and people come down and people buy the product, and kabhi wo stock badh jata hai. But we have never seen a wealth creator in a a defense segment. So as of now, we don't have any view on defense segment. What is the minimum amount in Trend Mantra? Prayag, I think so. Hardik, you can answer them in private whenever you get time. Prayag, Hardik will take care of it. Generally, foreign structured advisory point where the PMS is running, it's a 50 lakh product, and Hardik will help you for that. Any, can we say MCX? Yeah, Maulik, yeah, MCX is a very, very big, like, we are extremely, again, disclaimer, our clients or ourselves would have an investment in MCX. I think so, MCX, when you talk for MCX, 100% monopoly is there in so many sectors, like, for example, bullion, energy, again, metals. They could not take this agro business from NCDX, but now MCX is again into the best structure. So yeah, MCX is also an IT play, finance play, 100% monopoly, a superior opportunity. Defense, I already answered. What is your view on chemical? Mr. Goldwala, chemical sector is exceptionally superior. Means the level of, I have my friends in chemical sector who runs chemical companies. The order book is 120% full. They don't have any work right now. They only have to just produce and deliver. They have got money in advance to give the order. The margins are exceptional. Means that is a level this chemical sectors are right now working on, because generally the chemicals are used for pharma. So it's a mix of everything across. It's a huge coming, huge opportunity. But I feel that there are certain stocks which has already done great. It would do good for a certain period of time. Companies like SRF, companies like Navin, companies like Deepak Nitrate, companies like PI Industry, they are all doing exceptionally great. They may do more great, but I think so. If you see an opportunity, I feel agrochemical is a better opportunity in coming time than chemical sector. Yeah, so GMM is both. Generally, I would rate more as a pharma than chemical, but yeah, GMM is both into zone. But GMM, the biggest problem is that the valuation, it is available at 130 times. I think so, that's a crazy valuation. One should watch, pause, should see once that is it right to give 130 times to a company or not. This is something which one should think forward for. To select a fundamental tech, what is more important? I think so, everything is more important, Rakesh. There is nothing that is lesser important. You have to see everything right and then only enter into a stock. Kavin, Cupid was once a time one of my favorite company, I think so, 10, 12 years back. But I've not seen the company recently, so I don't know more about that company. I left this company to research in, I think so, in 2017. So I don't know more about the company.
What is the eligible capital where I can get the fee structure for PMS? For PMS, the minimum investment zone is 50 lakh rupees. And we have two fee structure. One is 2% fund management fees. That is a natural process which you get in every fund management companies. And one is a very unique structure where if you earn, we earn. If you don't earn, we don't earn. For any other point, you can always reach to turtlewealth.in. Contra views on metal sector. Amit, I don't have any contra views because my investor will not wait for 4 years where I say people that chalega, you know, I can't wait for that time. I don't invest in contra views because contra views takes time, energy, effort, and lot of persistence, which maybe certain people can have, but when a fund manager runs a fund, investor doesn't have, and that's the clear honesty. So I don't have any view on metal sector as of now, because I don't see any as of now turn around in metal sector. How to check whether stock is overvalued or not? Mayur, there is no specific theme of the stock is undervalued or overvalued. Agar chal gaya to undervalued hai, nahi chala to overvalued hai. This is the market philosophy which works. So generally you can have your own apron of that ki ye company overvalued hai, undervalued hai, but you can't specifically tell because everybody has different way of thinking different things. Dinesh Jain, Reliance, I think so we have again in our portfolio, so it's a disclaimer. Reliance, I think so it's a huge opportunity. The way 56% market share of telecommunication things has been created. So that is a clear understanding that when we talk of IT services and when we talk of 560 million people who have registered as an IT, registered as a mobile subscriber, right? So so there has to be a company who will be providing the internet of services. And I think so Reliance is one of the most prime into it now with the market, biggest market share. So it is there, it's a huge value, but I feel that it's too much popular now. So you have to be nimble footed on investing in Reliance and find certain other opportunities also. When liquidity increases in market, generally commodity flourishes. Can you explain? Nikunj, I don't know about it more. When you say specific commodities, it's a huge market. So I can't be very specific with your generalized question. Shreya Shah, your views on realty sector? I believe, honestly, realty sector, or not an investment business, but I feel that residential real estate will do much better than commercial real estate. There are a lot of people who will be working home for next one and a half year, more of them. And people would now need good home, extra room. If they would be thinking ke nahi yaar mere ko to ek do room chal jayega, now people will get a home where they will have a working room over there. They will need good a good place to live in. And commercial is a big hit because now if people have thought that ki haan theek hai yaar main ghar pe bhi kaam kar sakta hu, and entrepreneurs also have thought that haan theek hai hum ghar se bhi kaam le sakte hai. So aaj for example main company run karta hu to mujhe सिर्फ सैलरी ही नहीं देनी है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है टू गिव माय एम्प्लॉइज द राइट प्लेस टू सिट एंड अ ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर. और वो बहुत बड़ा कॉस्ट है जो जनरली वी डोंट टेक इट एंड बैलेंस इट, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई डोंट नो इन फ्यूचर वी विल सी दैट कितना ये हो रहा है. पर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इज गोइंग टू डू गुड. नाउ विच कम्स टू कौन सा स्टॉक, आई डोंट फाइंड इन इंडियन मार्केट्स वी हैव एनी ग्रेट रियल एस्टेट कंपनीज एक्सेप्ट बारिंग वन और टू असाइड, बट आई डोंट फाइंड अ ग्रेट रियल एस्टेट कंपनी इन इंडियन मार्केट्स. यू टॉक्ड अबाउट द डेटा कौशल, अबाउट डेटा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इट. डू यू थिंक टेलीकॉम इंडस्ट्री कैन डू बेटर फ्रॉम हियर ऑन? या इट Telecom specifically is now structured into three companies basically. Specific telecom is of course Jio, Bharti, Vodafone, Idea, and certain bit of Tata Communication. And there are certain small companies also for wiring and stuffs like that. But I think so it's a huge market share for only two companies, which is Bharti and Jio. And I believe Jio has a huge dominance in comparison to Bharti, because Bharti has huge debt on books. Till they don't get out of the debt to equity of Bharti is somewhere around 2.2 and 2.3, which I feel it's very uncomfortable to invest as an investor. What is your view on natural gas or CNG sector?
So Rachit, I think so. I went wrong, or I never expected. So we invested in a CNG company which sells CNG and PNG gas. So we always thought कि CNG कब बंद होगा यूज होने में. CNG तो यूज होएगा ही, उसके बिना तो इंडिया नहीं चल सकता है, या फॉर एग्जाम्पल एक सिटी नहीं चल सकती है. बट कोविड डिड सडनली सम डिफरेंट सेगमेंट एंड या थिंग्स आर नॉट राइट. सो इवेंचुअली वी डोंट राइट नाउ हैव एनी कंपनीज ऑन दिस टू सेक्टर्स, बट वी हैड एंड इट वाज नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट बाय अस. आई विल नॉट स्पेसिफिकली हैव अ स्टॉक टू स्टॉक व्यू. सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. आई विल पुट सर्टेन क्वेश्चन बिकॉज़ आई कांट आंसर ऑल ऑफ देम. योर व्यू ऑन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एंड मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज. I would have invested in Zerodha if it would be listed, yeah, honestly. Baki ICICI is okay, decent. Motilal Oswal as a wealth management is decent, but on a broking firm, I would not go forward for it. This is my personal view. Network 18, next bull market sector. I think so, Sachin. We already had talked for three sector, and three of them for I'm sure one of them would be the biggest wealth creator in next 10 years. Dinesh Jain, gold. I think so. Gold has still a lot of things to do. I know one of our clients who does this bullion selling of gold. He was telling me a story that के gold में अभी sellers ही है, means physical side. सब बेचने ही आ रहे हैं, कोई लेने आ ही नहीं रहा है ये भाव पे. तो दिस इज अ वेरी बिग इंडिकेशन दैट गोल्ड स्टिल हैज लॉट ऑफ स्टीम इन टू इट. रीट्स इज अ गुड वे ऑफ एंटरिंग इन टू रियल एस्टेट स्पेस. I don't know, not invested into it. Rather, I would invest into areas where I know which gives you a better yield, which is near to my zone. Honestly, right now there are certain properties available at a very, very good valuation in cities in Gujarat specifically. So मुझे जो जानता है वहाँ पे मैं real estate करूँगा. मैं जहाँ पे मुझे पता ही नहीं है वहाँ पे real estate करना, I don't find it comfortable. Certain stocks. Any questions to be for the raise hand? So there are so many questions onto it. We can take offline because we have to end. We'll take last question from Rahul. Is a view on silver. So silver, I don't track, Rahul, honestly. I think so. We had a talk of gold in when gold was somewhere around 25,000-30,000, and I told that your business is not going to do good because generally, जब gold अच्छा करता है, तब एक gold bullion करता है या gold jewellery करता है, वो अच्छा नहीं करता है. So this has been there. But I'll tell you one thing. Gold ने तकरीबन 300% return बनाया है 10 साल में. पर टाइटन जो गोल्ड का बिजनेस करती है उसने 900% रिटर्न बनाया है, और मुथूट जो गोल्ड का लोन फाइनेंसिंग करती है उसने 800% बनाया है. तो अभी जब आप गोल्ड जस्ट अप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहो, तब आप सोच सकते हो कि आपको कौन सा इन्वेस्ट करना है. बिकॉज गोल्ड को वैल्यूएशन नहीं मिलता है, पर धंधे को वैल्यूएशन मिलता है. दैट इज द रीजन टाइटन एंड मुथूट हैज डन मच बेटर देन गोल्ड एज स्पेसिफिक. फाइन. We will end up, and if there is any other question, oh, there are so many questions, guys. Sorry, I could not answer all of them because of the time issue. Mayur has a question. Mayur, your mic is open, so if you want to ask from voice, you can ask. I don't think so. I think so. I would have answered or something like that. Hardik, is there any specific question we need to take? No, there is nothing like that specific. Everyone is asking about their own view about the sector or So, specific guys, topic. we have a service where you can give your portfolio, and we can give you a score of how the portfolio has done, and over the period of time, what is a dead stock and how you need to replace. So for anything, you can you can put a mail at contact@turtlewealth.in, or any specific details we could always share and give you help on. So that's what we can do. You should have a limitation of your PPT only. You should continue for okay. You should have a limitation. I don't know, Sagar, what your question. You should have a limitation for your PPT only. You should continue for Q&A till all are answered. Yeah, it can be, but I think so. Most of the question has been answered. So let me just give a view that what are the question which are not answered. Hardik, there are certain people who have asked for your connection, so just note down. Yeah, I have done that.
So Deepak Jain has asked a question which is important, which is what exactly you mean by near to debt free company. So this is a very brilliant question, and that's the reason I'm answering is Deepak Jain's question is that, see, near to debt to companies, debt free companies are, first of all, there are certain companies who are extremely debt free. Companies like MNC companies, companies like, for example, IT companies, which doesn't have a capital intrinsic module. So they will not have debt because usko dhande mein debt chahiye hi nahi hai. But there are companies of chemical companies, जिसको सब्सिडी लेनी है, जिसको थोड़ा टर्नओवर के लिए पैसा सीसी से लेना है, बिकॉज वो टर्नओवर करती है, ट्रेडिंग करती है, तो उसके लिए चाहिए. सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ डेट. एक तो है प्योर डेट फ्री है, दूसरा है उसने बिजनेस के लिए डेट ली है, समवेयर अराउंड 0.20 टू 0.30 इज अ कंफर्टेबल डेट टू इक्विटी रेशियो, जहां पे जनरली सब्सिडी भी ली है, वो भी बैलेंस शीट में डेट स्ट्रक्चर पे आती है. फिर देर आर सर्टन कंपनीज विच टेक्स मनी फॉर ट्रेडिंग, एंड देर आर सर्टन कंपनीज जिसने बहुत डेट लिए धंधा चलाने के लिए. तो वहां पे वो सब कंपनीज है जहां पे डेट टू इक्विटी इज वन टाइम्स. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड. तो कंपनी इज वेरी गुड इन एग्रोकेमिकल ऑल्सो, केमिकल ऑल्सो, बट द डेट टू इक्विटी इज टू टाइम्स. मीन्स टू टाइम्स इज क्रेजी. मीन्स ये अगर एक क्वार्टर भी उसका धंधा खराब गया तो ये ब्याज में मर जाएगी ये कंपनी. एंड दैट इज द रीजन यूपीएल हैज नॉट बीन अ वेल्थ क्रिएटर. सो व्हाई, सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई स्मार्ट पर्सन लाइक मिस्टर मुकेश अंबानी वांट्स टू रिड्यूस द डेट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस, बिकॉज ही अंडरस्टूड वन थिंग कि अगर मेरी कंपनी डेट फ्री होगी तो ही विल गेट अ बेटर वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. उसने जितना पैसा मार्केट से डेट निकाला है उससे ज्यादा उसकी मार्केट कैप बढ़ गई. Because people want a debt-free company to be bought for. And that's how the wealth has been created. So it's a very good question. So when you see debt, you have to analyze that why this debt is for. But anything of a one-time debt or 1.5-time debt, to wo dekhne ki zarurat hi nahi hai, because there are 5,000, 3,000 companies in India. Jisme Nifty 500 ki 500 companies hai. Usme se ek aadh agar nahi loge debt-wali company, to over the period of time, aur aap rules dekho. आप सारिया रूल्स देखो, आप रिलीजियस रूल देखो, सब में बताया गया है कि आप डेट वाली कंपनी मत लो. तो दैट इज द रीजन देयर आर सर्टेन कंपनीज व्हिच हैज नेवर क्रिएटेड वेल्थ व्हिच इज हाई डेट. सो या दैट्स द रीजन व्हिच वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इन डेट कंपनीज. या श्योर, वी विल शेयर द पीपीटी ऑन टेलीग्राम. दैट्स अवर चैनल, टेलीग्राम चैनल पे हम पीपीटी शेयर कर देंगे. सो फ्रॉम देयर यू कैन हैव अ डिटेल ऑन टू द पीपीटी स्ट्रक्चर. Fine. We will end up the presentation over here. Any doubts, you can contact us at contact@turtlewealth.in or maybe our website or any other structure you are comfortable with. Yeah, recording also will be available on YouTube. We will post the recording in 1 hour. So you can see the whole recording once the presentation is completed. Thank you. Thank you. Thank you. Have a great day and have a great week ahead. And I hope this next 10 years, we all will be into that wealth creation zone, where we would be in that comma of wealthy people, which our honorable PM shared for. Thank you. Have a good day ahead.